पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वांटिटीज़ को देख लिया जाए। जब मोशन की बात आती है तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप डिफाइन करना चाहो, है ना, तो क्लास नाइन्थ में आपने किया था। ये बेसिकली क्या है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल जितना पाथ लेंथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, जैसे मान लें कि हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट ओरिजिन जिसको बोले थे, वहाँ से स्टार्ट करते हुए कोई बंदा है जो यहाँ से एक पोजीशन पे गया, एज्यूम करते हैं होम से कहाँ, तो मार्केट, और मार्केट से होते हुए एक पोजीशन स्कूल तक पहुँचा ये रास्ते होते हुए। अब उसका टोटल पाथ लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर काम आपका सीधे ज्वाइन करने से नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ घूमा है फीता वहाँ वहाँ तानना पड़ेगा और तब लेंथ मेजर करना पड़ेगा। ये टोटल पाथ लेंथ जो है वो क्या कहलाया, डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस सीख ही रहे हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में दूरी बोलते हैं, हिंदी के टर्म थोड़े से अलग दिखते हैं, और दूसरा टर्म आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, हिंदी में इसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करें, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कौन सा होगा, तो देखिए घूम के जाएंगे तो हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ होगा। याद होगा कि किसी ग्राउंड में आप खड़े हैं और आपको इस कॉर्नर जाना है, ऐसे घूम के जाएंगे तो आपका लेंथ बढ़ जाएगा, आप सीधे डायगोनल चल दीजिए, ठीक है, आप शॉर्टेस्ट पाथ, और डायगोनल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। यानी अगर आपने ये इनिशियल पोजीशन था, एक तो इनिशियल पोजीशन होगा और दूसरा फाइनल पोजीशन है, उसको सीधे मिला दिया, ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट। शॉर्टेस्ट जहाँ लिखा है वहाँ पर ब्रैकेट में आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट पाथ लेंथ। बिटवीन, है ना, इनिशियल एंड क्या, फाइनल पोजीशंस। एक लाइन और जोड़ना होगा यहाँ पर, इनिशियल से फाइनल के तरफ हमेशा आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ हमेशा आपका डायरेक्शन होगा, अलोंग द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, इस बात पे ध्यान देंगे, है ना, तो क्या करेंगे, अगर हमको इसको बताना हो तो हम बताएंगे, है ना, इट इज कैसा, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब बोलोगे ये भी तो बंदा डायरेक्शन चेंज करते हुए आ रहा है, हाँ ये डायरेक्शन ऑब्वियस चेंज करते हुए आ रहा है, लेकिन वो बताएगा क्या, पहले पूरब चले थे फिर पश्चिम, फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे करते हुए हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो उसके पास नहीं है, है ना, उसके डायरेक्शंस रैंडम है, तो वो अपने डायरेक्शंस की बात नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को बताएगा, और इसीलिए क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। लेकिन आप देखो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे, डिस्प्लेसमेंट में दिखा कि ये अपना डायरेक्शन प्रॉपरली स्पेसिफाई कर सकता है,
इसीलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे चल करके स्केलर और वेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में आप डिस्कस करने वाले हो। अब रह गई बात नोटेशन की, तो एक बात याद रखना, डिस्टेंस जो है ये डिनोटेड बाय ऐसे तो डी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में एस से डिनोट होता है। और जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय किससे, एस वेक्टर। अब आगे चल के ये भी पता चलेगा जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, अभी तो डिवाइड नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो वैसे केस में इस पे वेक्टर नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दो ही डायरेक्शन होते हैं, एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव दे करके काम चला लेते हैं। ये सिंबल यूज होता है जब हम चैप्टर नंबर 3 में इन कर जाते हैं मोशन इन प्लेन, और वहाँ पर वेक्टर यूज करेंगे, उसके बियॉन्ड हम वेक्टर यूज करेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं वेक्टर दें तब भी एस से डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी दोनों डिनोट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो डिनोट होना चाहिए वेक्टर के फॉर्म में। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या कह सकते हैं। हाँ, एक बात है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि आप केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो, और जिधर भी चलेगा उसका केवल पाथ लेंथ बताना है, तो पाथ लेंथ जो भी बताएंगे हम पॉजिटिव में ही बताएंगे, लेंथ तो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है जब आगे की तरफ गए, ठीक है, जब वापस आए है ना तो जीरो भी हो सकता है। अगर कब जीरो होगा, फाइनल तक गए वापस इनिशियल पॉइंट पे, किसी भी पाथ के लोग आ गए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एंड अगर वो पीछे चला जाए, मान लीजिए यहाँ से आकर के इस तरफ चला हाउस से, तो वैसे केस में है ना एंड नेगेटिव ऑल्सो। ओके, एक और खास बात कि ड्यूरिंग मोशन, अगर मोशन चल रहा है तो मोशन के समय डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा। अगर पीछे भी आया है ना, मान लीजिए कि पहले इधर 10 किलोमीटर चला था, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर चल गया, तो उसका डिस्टेंस 10 प्लस 5 15 किलोमीटर वो इंक्रीज ही करेगा, ऑलवेज इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। अब इंक्रीज कब करेगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो आगे चला जाए। देखिए, अगर यहाँ से वो यहाँ इस पॉइंट पे चला गया होता तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बढ़ गया होता, लेकिन यहाँ जब आया है फाइनली तो ये देखिए घट गया, ठीक है, अब तो 10 किलोमीटर नहीं रहा ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, आगे काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ये एलिमेंट्री पॉइंट हैं लेकिन फिर भी हेल्पफुल हैं, ये तो मैं कहूँगा ही। एक बात और, अगर इसके SI यूनिट की बात करें है ना, तो SI यूनिट डिस्टेंस का भी मीटर होता है ना, और इसका भी ठीक है सेम वही होता है मीटर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, इसका भी डायमेंशन सेम होता है L, और ये भी क्या होगा L, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन बात कर लें, ठीक है, देखिए वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
डायरेक्शन को हटा दें तो केवल मैग्नीट्यूड, अगर उसका केवल मैग्नीट्यूड ले लें और इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो दोनों स्केलर होगा, दो स्केलर को इक्वेट कर सकते हैं, दो वेक्टर को इक्वेट कर सकते हैं, एक स्केलर और वेक्टर को इक्वेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली इफ, हाँ ओनली इफ क्या होना चाहिए है ना, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, याद रखिए स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था वो हाउस से स्कूल तक है ना, नाक के सीधे में उसका चलने की पॉसिबिलिटी हुई और स्कूल पहुँच गया सीधे चलते हुए। किसी किसी का होता होगा घर का दरवाज़ा जैसे खुलता है, स्कूल का दरवाज़ा सामने सीधे चला गया, तो उसके लिए टोटल पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बोल सकते हैं ठीक है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक कंडीशन और है इसमें विदाउट है ना चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन अगर चेंज किया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, जैसे स्कूल से वापस वो घर की तरफ लौटने लगा है ना, क्या हो रहा है डिस्टेंस तो उसका बढ़ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये देखिए कम हो गया, घट गया, इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम हो गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। तो जब तक वो सीधा चलता रहे बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए तब तक यही होगा है ना। आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन एसी वर्मा में है, एक लेक्चरर क्लास में इन करता है, क्लास का कुछ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, पूरे क्लास में घूम घूम करके पढ़ाता है और 40 मिनट का पीरियड ओवर होने के बाद से वो क्लासरूम में से उसी गेट से बाहर निकल जाता है। अगर 40 मिनट के पीरियड ओवर होने के बाद से उसी गेट से वो बाहर निकल गया तो वैसे केस में उस ड्यूरेशन में उसका डिस्टेंस वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने चक्कर कैसे कैसे घुमा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉन्साइड हो गया वो जीरो हो जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल का इन्फॉर्मेशन आपके लिए।